प्याज रुला रहा है, लेकिन बाजार कुछ बेहतर नजर आ रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो कट का ऐलान किया गया है उससे शेयर बाजार में पिछले दो दिनों में तेजी दिखी है, इससे निवेशकों में काफी खुशी है। लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें आम लोगों को परेशान करने लगी है। लगातार 7 दिनों से तेल की कीमतें बढ़ रही है। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी भारी तेजी दिखी। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का मार्केट ने खुले दिल से स्वागत किया है। दो दिन की तेजी से निवेशकों को 10.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सेंसेक्स 1075 अंकों की तेजी के साथ 39,090 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 326 अंक चढ़कर 11,603 तक पहुंचा। ये पहली बार भरोसा दे रहा है कि सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। तेजी अभी रुकने वाली नहीं है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। बेशक शेयर बाजार में तेजी हो, लेकिन तेल बाजार में लगातार बढ़ते दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतें हमें परेशान कर रही हैं। सड़कों की हालत खस्ता हाल है, जबकि पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों से हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा हो गया, पहला 70 रुपए 65 था, अभी 79 कुछ तो हो गया। इससे आपको कितना असर पड़ता है? ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। सोमवार को पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 19 पैसे महंगा हुआ। डीजल के दाम मार्च के बाद सबसे अधिक है। पेट्रोल के दाम 10 महीने में सबसे ज्यादा है। 7 दिनों में पेट्रोल 1.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1.5 रुपए लीटर महंगा हुआ। जनवरी के बाद एक हफ्ते में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पिछले कई हफ्तों से लगातार फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट करती रही है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में तेजी आई है। लेकिन क्या ये तेजी ऐसी ही चलती रहेगी या नहीं, ये केवल अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चेकलिस्ट NDTV।